blessed, I think, to have sung these songs. और उनके कितने सारे गाने मैं सुन के बड़ी हुई हूँ. अभी मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि इस फिल्म में मैंने कुछ गाने गाए हैं. और एंड ऑफ कोर्स फॉर द ब्यूटीफुल लिरिक्स देव जी एंड समीर जी, थैंक यू सो मच. मैं कहना चाहूँगा कि दैट आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे अपनी पहली फिल्म में बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. कन्नावर प्रकाश जी, जया जी, महेश मांगर जी, और उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, जो कि ऑब्वियसली मेरे आगे करियर में काम आएगा. ऑल ओवर मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. थैंक यू. अच्छा पारस, ये फिल्म में आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? दिल की ट्रेन, जुल्मी और दिल की ट्रेन दोनों. दिल की ट्रेन एक्चुअली जब पहली बार गाना सुना और आपको ये गाने पे शूटिंग आपकी जब शुरू हुई तो आप कितने एक्साइटेड थे? वो डांस का, वो गाने का एक्सपीरियंस मेरे साथ आप शेयर करें. मुझे याद है जब मैं मास्टर जी के पास पहली बार गया था, गणेश आचार्य सर के पास, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुझे डांस आता है क्या? मैं बोला था सर आता नहीं है पर शायद कर लूँगा. तो सर ने कहा था ऐसे कैसे करेगा, हीरो बनना है तेरे को तो डांस तो सीखना पड़ेगा. एंड आई थिंक जब उन्होंने मेरा डांस देखा तो काफ़ी खुश थे और उन्होंने मुझे काफ़ी ब्लेसिंग्स दी और बहुत अप्रिशिएट किया. और पहली बार ये गाना किसी बॉलीवुड में, आई थिंक पहली बार कोई गाना रियल प्लेटफॉर्म पे 3 दिन शूट हुआ है. हमने गोरेगांव प्लेटफॉर्म पे शूट किया है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. और 100 से ज़्यादा डांसर्स के साथ मैंने पहली बार डांस किया तो बहुत मज़ा आया. और ऑब्वियसली शान भाई ने ये गाना बहुत ही सुपर्ब गाया. आप इतने ठुमकों के लिए फेमस हैं, आपकी जो कोरियोग्राफी है वो सबको इतनी पसंद आती है, जुल्मी की कोरियोग्राफी सबको इतनी पसंद आई है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? विश्वास जी ने मुझे पूरी फिल्म नरेट की थी, मतलब फर्स्ट ऐसी एक फिल्म है जो मुझे गाने करने से पहले पूरा नरेशन दिए थे विश्वास जी ने कि किस तरह से इसके गाने होंगे. और हर गाने के पीछे मुझे रोका गया कि नहीं ये बॉलीवुड मसाला टाइप की फिल्म, इसको थोड़ी सी लगेगी, इसको रोको. तो विश्वास जी का बहुत बड़ा हाथ है सब गानों के पीछे. और जब मैं इसके आप जब सब गाने देखेंगे तो थोड़े अलग है, ज़्यादा जैसे मैं गाने करता हूँ झटके मटके वाले एकदम जो होते वैसे नहीं, थोड़े से इसमें हम लोगों ने कोशिश की अलग ट्रैक, मेरे गाने नहीं है बेसिकली, मैंने कोशिश की कुछ अलग करने के लिए. तो और क्या कहूँ, सब विश्वास जी का हाथ है इसमें. आपके बहुत बड़े फैंस हैं, आई मीन है कि नहीं, जितने भी हैं सबके सब आपके बहुत बड़े फैंस हैं. और आपका डांस तो मेरे से ज्यादा तो लगता है योगेश भाई के फैन हैं आप क्योंकि जब से योगेश भाई के पीछे पड़े सब, खास करके हमारे दोस्त मीडिया वाले बेचारे क्यों योगेश भाई के पीछे पड़े हुए अभी जब हमारे साथ इतने बड़े स्टार मौजूद है स्टेज पर और इतना अच्छा गाना भी हमारे पास है और इतने अच्छे ठुमके भी उसमें है, तो क्यों ना हम इनसे कहें कि एक दो ठुमके लगा दे. ऑडियंस है ना, एक थोड़ी नहीं, इसके जगह दिल की ट्रेन लगा दीजिए, वो कर लेता हूं. चलो दिल की ट्रेन. ऑडियंस आर यू एक्साइटेड फॉर दिस परफॉर्मेंस एवरीवन? ऑलराइट, सो क्या हम दिल की ट्रेन बजा सकते हैं? हाँ क्या योगेश जी को बुलाओ, सेम योगेश भाई आ जाए, पारस आ जाए, पारस इसका. पारस ने बहुत मेहनत की गाने के पीछे, बहुत ही सिंसियर लड़का है. और जब मैंने इसको सिखाना चालू किया, पहले तो मैंने देखा बोला कैसे करेगा, उसके बाद जब इसने रिहर्सल की तो बहुत ही कमाल किया, बहुत ही मेहनत की. और वाकई हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो शूटिंग करना गोरेगांव में, हम लोग ओरिजिनल रेलवे प्लेटफॉर्म पर शूट करते तो विश्वास जी थे और मतलब कम से कम दोनों तरफ से ट्रेन चल रही थी और कम से कम उसमें लोग थे, उसके बीच में किया, बस वही गाना करते हैं हम, थोड़ा सा बजाओ भैया. पारस मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट शूट एंटायर मूवी में जो शूट करते हुए आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है
जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो ज्यादा लोगों को पता नहीं हो। मैं इस गाने के ग्रेट एक्ट्रेस, एवरीबॉडी नोज दैट, और ऑब्वियसली जब हम शूट करने वाले थे तो शूटिंग से पहले मैं कभी कंगना से नहीं मिला था, उससे पहले हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। डायरेक्टली शूट के दिन मैं मिला और उससे एक दिन पहले बेसिकली सर ने मुझे बताया था कि जो सीन है उसमें मुझे उनका गला पकड़ना है। तो मेरी आधी हालत वैसे ही खराब हो गई थी कि पहली बार मैं मिलने वाला हूँ और उनका गला दबाना मेरे को। एंड जब मैं सेट पे पहुंचा तो सर ने जब मिलवाया तो उनसे बात करने के बाद लगा कि वो काफ़ी फ्री है, और जब हमने शूट किया तो शॉट इजीली हो गया। थोड़ा सा नर्वस जरूर था लेकिन करने के बाद फिर इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि आगे कभी प्रॉब्लम नहीं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जहाँ तक मेरे रोल की बात है, मेरे डायरेक्टर ने इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी और इन्होंने सब मुझे जो इनका रिसर्च मटेरियल था, जो मैंने फिल्म साइन की थी उसके साथ ही इन्होंने मुझे दिया था। उसके अलावा हम लोगों ने जहाँ से ये रज्जो का किरदार बिलोंग करता है, नागपाड़ा, वहाँ पे भी जाके दो तीन बार कुछ वैश्याओं से हमने बात की। एपीआई है, तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड मेकिंग दिस मूवी, लाइक आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? माय इंस्पिरेशन my hometown, that is Kolhapur. Kolhapur is the birthplace of famous Prabhat Film Company. And this year is the centenary year, 100 years of Hindi cinema. So, isme mujhe ek mauka mila and I have grabbed it. Thank you, sir. And sir, how did you discover Paras? Paras, my story ki demand thi ki ek 24 year old tawaif hai, जिसके प्यार में ईयर बॉय, तो विनोद प्रधान, फेमस डीओपी ऑफ इंडिया, उनके साथ में बैठा तो हमें ऐसे मालूम हुआ कि देर इज नो बडी हु इज 18 ईयर ओल्ड हीरो इन बॉम्बे बॉलीवुड। एंड उसी दरम्यान एक अच्छी भव्य ऐतिहासिक टीवी सीरियल आ रही थी जिसका नाम वीर शिवाजी, और उसमें एक लड़का शिवाजी का रोल निभा रहा था, तो मैं एक्सेप्टेड।